आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें बहुत सारी हमने वेजिटेबल का यूज़ किया है और इसे आप 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो आप उन्हें लंच में भी बना के रख सकते हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी रेसिपी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। और आप इसे सॉस के साथ बच्चों को सर्व करके दीजिए तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर्स कॉर्नर में। आज जो हम ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने 2 अंडों को तोड़ लिया है और अब हम अच्छे से बीटर से इसको मिक्स कर देंगे। बहुत हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट है। आपका अगर मन हल्का कुछ खाने का है तो आप इसे बहुत जल्दी बना के खा सकते हैं। और ये दोनों अंडे मैंने अच्छे से फेंक दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 टमाटर और 2 हरी मिर्चें हमने बारीक चॉप कर ली थी। ये मैंने थोड़ा सा पालक काट लिया था, 1 प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये 1/2 इंच हल्दी का टुकड़ा है, इसको हम ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहे तो पिसी हुई हल्दी जो होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये बहुत फायदेमंद होती है, इसीलिए आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ग्रेट करके, तो ये बहुत फायदा करेगी और आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाएगी। और ये अदरक है, इसमें से सिर्फ मैं 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लूंगी, इसको भी हम ग्रेट कर देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये पिंच ऑफ काली मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, पिंच ऑफ लाल मिर्च। मसाले हमें ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो इसलिए हमने इसमें कम से कम मसालों का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें, ये हमने 4 टीस्पून बेसन लेके रखा है, वो इसमें हम डाल देंगे। और 1 कटोरी हम पानी डाल देंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे। पानी हम अपनी जरूरत के अनुसार डालेंगे। अब इसमें और देखते हैं, अगर जरूरत होगी तो हम थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी और डलेगा। और ये बैटर हमारा तैयार हो गया। आप बस मिक्स अच्छे से करिए, कोई लंग्स ना रहे। और नमक आप एक बार चेक कर लीजिए कि नमक अगर आपके स्वाद के अनुसार हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और डाल लीजिए। और अगर आप थोड़ा चटपटा भी खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें मिर्च की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ये 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए ये मिक्स अच्छे से हो गया। अब हम इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं गैस की गैस तरफ। पर रख दीजिए पैन, और उसमें 1 चम्मच के करीब आप चाहे तो ऑयल डाल दीजिए या बटर डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। इसमें आपको कोई वो नहीं है कि आपको सिर्फ बटर ही डालना है, जो आपके घर में अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा। और अच्छे से गर्म हो जाए थोड़ा सा, और फिर उसमें हम ये 2 चम्मच डालेंगे। अब हम इसे कुक होने देंगे, थोड़ा चाहे आप ढक दीजिए इसे। 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं और हम खोल के देख लेते हैं। अब हम इसको साइड से अलग करते हुए, और अब हम इसे पलट देंगे। अब इसको हम दोनों तरफ से इक्वली सेकेंगे और 2 मिनट फिर से ढक के रख देंगे। और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। और 2 मिनट हो गए हैं, चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, गर्मा गर्म हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है। और देखिए, मिनटों में बनके तैयार हो गया। इसे हमने ना सोक करके रखा है, तुरंत बस डाला और बना लिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।